नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और खास वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। जी हाँ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब टीम की क्या होगी प्लेइंग 11, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि दो खिलाड़ियों की वापसी होगी इस मुकाबले में, वो होंगी लियम लिविंगस्टन और कगिसो रबाडा। जी आप सभी लोग को अपडेट्स दे दें, लियम लिविंगस्टन पंजाब टीम से जुड़ गए हैं और हमारे भाई रेगुलर पूछते थे भाई कब आएगा लियम लिविंगस्टन, कब आएगा। तो आप सभी लोग को बता दें लियम लिविंगस्टन फाइनली पंजाब टीम से जुड़ गए हैं और 13 तारीख को जो मुकाबला खेला जाएगा उसमें वो खेलने के लिए जहाँ तक उपलब्ध भी होंगे। तो अगर हम पंजाब टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो टॉप ऑर्डर सेम होने वाला है। फिर एक बार प्रभ सिमरन सिंह और कैप्टन शिखर धवन हम सभी को ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। कैप्टन शिखर धवन की क्या ही बात करें यार, एक तो वो कैप्टन है, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, एक तरफ से खड़े होकर विकेट अपना बचा रहे हैं ताकि पंजाब की टीम जल्दी ऑल आउट नहीं हो जाए, क्योंकि और कोई बल्लेबाज एक्सपीरियंस का दिख नहीं रहा है पंजाब टीम के मिडिल ऑर्डर में। और ये बात कहने में आप सभी लोगों को कड़वी भी लगती होगी, गलत लगती होगी, लेकिन आप सभी लोग को बता दें शिखर धवन अगर आउट होते हैं तो पंजाब टीम की बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होने लगती है, जो कि पंजाब टीम के लिए बहुत ही बुरी बात है। हालांकि शिखर धवन फ्रंट से लीड कर रहे हैं, कैप्टनसी शानदार कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, गेंदबाजों को अच्छे तरीके से रोटेट कर रहे हैं और एक लीडर की तरह खेल रहे हैं और लीडर की तरह कैप्टनसी कर रहे हैं। भले उनको इंडियन टीम में मौका नहीं मिल रहा हो, लेकिन उम्मीद है कि आईपीएल में वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो उसके बेसिस पे बेशक उनको वनडे टीम में जगह मिलेगी। तो शिखर धवन के लिए यही उम्मीद है भैया, वो रन बनाए और इंडियन टीम में वापसी करें और पंजाब टीम को पहली ट्रॉफी जिताए, क्योंकि उनके फैंस तो यही उम्मीद लगा के रखते हैं। हालांकि इस साल की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो टॉप ऑर्डर सेम होगा, प्रभ सिमरन सिंह, शिखर धवन। नंबर 3 की बात करें तो वहां पर भानुकर अजयपक्षी के भी इस मुकाबले में वापसी होगी अगर वो पूरी तरह फिट होते हैं। जी हाँ, उनके फिंगर में इंजरी हो गई थी दूसरे मुकाबले के दौरान, लेकिन उम्मीद है कि इस मुकाबले में वो वापसी कर लेंगे। तो नंबर 3 पर भानुकर अजयपक्षी, 4 पर लियम लिविंगस्टन, 5 पर जितेश शर्मा, 6 पर खेलेंगे शाहरुख खान, जो कि इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन पंजाब टीम इनको ऊपर भी प्रमोट नहीं करती है और जिस पोजीशन में भेजी है वहां पर ये शूट करते नहीं है या नहीं करते उसका तो पता नहीं, लेकिन ये रन नहीं बना रहे भैया। इसमें बहुत दुख की बात है कि इतना महंगा खिलाड़ी जिसको पर इतना ट्रस्ट किया गया है वही खिलाड़ी फ्लॉप चल रहा है। नंबर 7 पर सैम करन, 8 की बात करें तो कगिसो रबाडा, 9 पर हरप्रीत बरार, 10 पर राहुल चहर और 11 पर हर्षदीप सिंह। ये होगी पंजाब टीम की प्लेइंग 11। यहां पर आप सभी लोग को बता दें भानुकर अजयपक्षी अगर फिट नहीं होते तो उनकी जगह पर सिकंदर रजा खेलेंगे, ना ही मैथ्यू शॉट। जी हां, मैथ्यू शॉट गेंदबाजी में विकल्प नहीं देंगे, भले बल्लेबाजी में डेप्थ आ जाएगी लेकिन सिकंदर अजय खेलेंगे तो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करके देंगे। तो अगर भानुकर अजयपक्षी फिट नहीं होते तो सिकंदर अजय का चांस बनेगा, या तो नेथन एलिस खेलेंगे, लेकिन अगर भानुकर अजयपक्षी खेलते हैं तो सिकंदर अजय और नेथन एलिस को बाहर जाना होगा। नेथन एलिस की जगह पर कगिसो रबाडा की इस मुकाबले में वापसी होने वाली है। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11 हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग फैंटेसी टीमें बनाते हो और नहीं भी बनाते हो, अगर आप लोगों को क्रिकेट की अपडेट्स चाहिए तो भैया नए चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार आपके भाई का ही चैनल जाके उसको सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।